गुड इवनिंग गुड इवनिंग रीति अपने गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए पहले आज का पहला ही क्वेश्चन है, बताओ एवर्जन का मतलब क्या होता है। एवर्जन लिखो जल्दी, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सभी लोग इसको दिमाग में रखेंगे सारी चीजें सारी। एवर्जन है एक वर्ड होता है, उसका माने क्या होता है बताओ। एवर्जन माने क्या होता है, एवर्जन ए वी ई आर एस आई ओ एन, एवर्जन लिखो सभी लोग, एवर्जन ए वी ई आर एस आई ओ एन, तो क्या हो जाएगा एवर्जन का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। एवर्जन ए वी ई आर एस आई ओ एन, इसका मतलब क्या होता है बताओ एवरीवन। तुरंत तुरंत रिप्लाई दिया करो अब तुम लोग का। घृणा होता है, एवर्जन का माने क्या होता है घृणा, है ना। हाँ वेरी गुड, डिसलाइक होता है एवर्जन माने, ठीक है। अरुचि, अरुचि लिखो डिसइंटरेस्ट, अरुचि लिखो डिसइंटरेस्ट लिखो। ये सारे शब्द पूछे गए एग्जाम के हैं, सो कीप इन योर माइंड दैट एवर्जन मीन्स होता है डिसलाइक, एवर्जन मीन्स होता है डिसइंटरेस्ट, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, जब किसी चीज में आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो उसे कहते हैं एवर्जन, ए वी ई आर एस आई ओ एन, अरुचि, इन विच यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड ठीक है एवर्जन। एंड सेकेंड डिसलाइक हेट, ये सारी चीजें याद रखना। अब बताओ मैरिज की स्पेलिंग क्या होती है, मैरिज की स्पेलिंग, मैरिज की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी लिखो मैरिज की स्पेलिंग। यस डू फास्ट एवरीवन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैरिज, मैरिज की स्पेलिंग लिख के दिखाओ जल्दी से, जल्दी बताओ जल्दी से। हाँ हाँ जल्दी बनाओ, मैरिज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, जल्दी बनाओ एवरीवन, डू फास्ट एवरीवन, मैरिज की स्पेलिंग क्या होगी। यस अब बताओ जो शादी के से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं। हाँ जो शादी से घृणा करता है या जिसकी शादी से ईर्ष्या हो द्वेष हो, वन हु डू नॉट वॉन्ट टू गेट मैरी, जो शादी करना नहीं चाहता है उसे क्या कहेंगे। विवाह द्वेष के लिए एक शब्द क्या होगा, डिसलाइक ऑफ आर एवर्जन टू ए मैरिज, जो शादी से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर चीज की व्यक्ति का एक ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, जो शादी से नफरत करता हो, जो शादी से ईर्ष्या करता हो, जो शादी करने में विश्वास नहीं रखता हो, ऐसे लोगों के लिए तीन लोग लाइक करके बहुत बहुत शुक्रिया, बताओ क्या क्या हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर आपको आनंदित रखे। अगला बनाओ जल्दी से, हमने क्या बोल दिया है। हाँ एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से एवर्जन करे, एवर्जन माने घृणा करे, अरुचि हो, ठीक है, जैसे शादी नाम से ही रुचि, शादी से घृणा हो, उसे क्या कहेंगे बताओ जल्दी सभी लोग, जल्दी बताओ जल्दी से। फास्ट एवरीवन, शेयर एवरीवन, 62 पीपल, 6 लाइक, सो थैंक यू एवरीवन, सो डू शेयर दिस लिंक, टुडेस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जल्दी बनाओ जल्दी से, हाँ बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, क्या होगा। एक जो ऐसा व्यक्ति जो शादी में रुचि नहीं रखता हो, जो शादी नाम से द्वेष रखता हो, ऐसे के क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। हाँ ये तेजी से टाइप करो, जल्दी से सोच के बताओ आप लोग। हाँ जो नए जुड़े हैं वो याद रखें, अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए जब आपको जो है, हाँ जल्दी लिखो। जल्दी बनाओ, हाँ जल्दी बनाओ सभी लोग, क्या हो जाएगा जो शादी से नफरत ईर्ष्या करता हो।
बताओ जल्दी से। हाँ एवर्जन, उसके लिए एक शब्द अंग्रेजी में क्या होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा अंग्रेजी में। हम अंग्रेजी में कह रहे हैं जैसे, हाँ जो जैसे वन हु लुक्स ब्राइटर साइड उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, और जो डार्कर साइड उसे पेसिमिस्ट, उसी तरीके से क्या बोलेंगे। जो बैचलर का मतलब जो शादी नहीं किया है, जो शादी नहीं किया है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो शादी किया ही नहीं उसे क्या कहेंगे, मिसोगेमी कहेंगे। लिखो मिसोगेमी, MISOGAMY, लिखो मिसोगेमी, लिखो जल्दी से। हाँ मिसोगेमी, याद रखना गेमी जिसमें जा, गेमी मतलब होता है मैरिज, लिखो सभी लोग गेमी मतलब है। हाँ गेमी मतलब होता है मैरिज, लिखो गेमी मतलब मैरिज। जहां भी GAMY लग जाएगा वहां उसका माने हो जाता है मैरिज, लिखो सभी लोग गेमी, GAMY, लिखो गेमी। हाँ लिखो मिसो माने गेमी, गेमी मतलब लिखो मैरिज। अगर GAMY आपको दिख गया, GAMY इसका माने होता है मैरिज, आप कहीं भी ये शब्द आएगा तो आप उसका मतलब मैरिज लगाना, शादी से जुड़ा हुआ वो शब्द है। गेमी माने मैरिज से जुड़ा हुआ है, जहां भी गेमी शब्द जुड़ा रहेगा, हम नहीं कह रहे हैं कि ये रूट वर्ड है, बट जहां भी गेमी शब्द आपको मिलेगा वहां उसका मतलब हो गया जो है मैरिज, तो इसको याद रखना गेमी। अब मिसो माने क्या होगा, एवर्जन, लिखो मिसो माने क्या होता है, डिस इंटरेस्ट। मिसो माने लिखो डिस इंटरेस्ट, मिसो लिखो मिसो, यहाँ मिस जुड़ जुड़ गया, इसका माने हो गया डिस इंटरेस्ट। तो जो शादी नाम से घृणा करे, शादी में जिसकी रुचि ना हो, तो उसे कहते हैं डिसइंटरेस्ट, ठीक है। हाँ अब आप बताओ, हाँ गेमी मतलब क्या हो गया मैरिज, और मिसो माने हो गया डिसइंटरेस्ट। मिसो में लिखो MISO, हाँ मिसो माने डिसइंटरेस्ट। डिसलाइक लिखो, एवर्जन लिखो, तीनों लिखो। मिसो मतलब हो जाएगा डिसलाइक, डिसइंटरेस्ट, एवर्जन, हेट, इस तरीके से हो जाएगा। हेट उतना अच्छा नहीं है जो घृणा करता हो, ठीक है। हाँ तो चलो अच्छा अगला दूसरा। अब जैसे इस समय जो एक शादी में विश्वास करता है उसको क्या कहेंगे बताओ, वन हु, ठीक है। हाँ द सिस्टम या द कल्चर द प्रैक्टिस ऑफ ओनली टू गेट वन मैरिड, एक शादी करने की प्रैक्टिस को क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। एक शादी जैसे किसी की करनी है, केवल एक शादी, तो उसके लिए उस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे बताओ आप लोग, एक शादी की प्रथा को क्या कहेंगे। यस जल्दी बताओ सभी लोग, एक शादी की प्रथा को क्या कहेंगे, एक शादी को क्या कहेंगे, एक शादी की प्रथा क्या हो जाएगी बताओ। जैसे बताओ जहां के लोग केवल एक शादी करें, देखो देखो गेमी माने क्या होता है शादी, तो गेमी कंफर्म है शादी से संबंधित है, और एक शादी को क्या कहेंगे मोनो, क्या कहेंगे मोनो, तो लिखो मोनोगेमी, सभी लोग लिखो मोनोगेमी, MONOGAMY, मोनोगेमी लिखो सभी लोग, मोनोगेमी, MONOGAMY, मोनोगेमी लिखो सभी लोग, मोनोगेमी। यस तो मोनो माने होता है सिंगल, लिखो मोनो जिसमें जुड़ेगा उसका माने होता है सिंगल, मोनो इक्वल टू सिंगल लिखो, और गेमी मतलब हो गया मैरिज, तो मोनो माने सिंगल और गेमी माने शादी, तो लिखो मोनो मतलब सिंगल और गेमी माने शादी, लिखो मोनो मीन सिंगल और गेमी माने होता है मैरिज, लिखो सभी लोग। हाँ एक ही बार विवाह करने की, जैसे क्या है हमारे इंडिया में अब एक ही शादी ज्यादातर लोग कर रहे हैं ना, थैंक यू वेरी मच, किसी ने लाइक किया बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय इंडिया में केवल एक लाइक की प्रथा है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हमारी कल्चर में एक ही शादी की प्रथा है, तो जब एक शादी की प्रथा, देखो शादी आ गया तो गेमी और मोनो माने सिंगल, और दो शादी को क्या कहेंगे बताओ, हाँ दो डाई गेमी बोल देंगे। चलो अच्छा अगला बताओ, और जैसे आपने देखा होगा राजा दशरथ ने कई शादी की थी, तो कई शादी की प्रथा को क्या कहेंगे बताओ, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ टू गेट मैरी मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार शादी जो लोग करते हैं, कई बार करते हैं, उसे क्या कहेंगे। हाँ बताओ जल्दी से, एक से ज्यादा बार जो शादी करते हैं उसे क्या कहेंगे, जल्दी बनाओ, एक से ज्यादा बार जो शादी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ आप लोग सभी लोग। हाँ जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए, है ना। हाँ एक से ज्यादा बार पॉलीगेमी, वेरी गुड राजू, यू आर एग्जैक्टली करेक्ट हेयर। हाँ, तो पॉली, नमस्ते नमस्ते, पॉली मतलब होता है लिखो, हाँ मेनी टाइम्स लिखो, पॉली माने होता है मल्टी, लिखो मल्टी लिखो, हाँ मल्टी टाइम, तो क्या हो पॉली माने लिखो मल्टी, पॉली मतलब लिखो मेनी टाइम्स,
ठीक है। और पॉली मतलब सामने लिखो मोर देन, तो जहां पॉली का मतलब हो जाएगा वहां मतलब हो जाता है एक प्रीफिक्स है, तो जहां पॉली का मतलब हो गया मल्टी, ठीक है, मल्टी मैरिज, लिखो मल्टी मैरिज, या मल्टी हो गया गेमी माने मैरिज, तो मल्टी मैरिज को क्या कहेंगे? हाँ, क्या हो जाएगा, मल्टी का मतलब हो गया मल्टी मैरिज, लिख दो सभी लोग, एक बार शादी करने से ज्यादा कितना बार करेंगे, एक से ज्यादा बार। हाँ, तो जो एक से ज्यादा बार शादी करे, उससे कई बार शादी करे, तो उसे क्या कहेंगे? इनको रिवीजन कर लेना, ये सारी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन टाइम। मल्टी मैरिज मतलब एक से ज्यादा बार जो शादी करे उसे कहते हैं पॉलीगैमी। पॉली माने होता है एक से ज्यादा, ठीक है। हाँ, अब पॉलीग्लॉट लिखो, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट लिखो, पॉलीग्लॉट, POL। हाँ, पॉलीग्लॉट माने क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ, पॉली बहुविवाह जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? बहुविवाह। जो एक बहु मतलब हो गया पॉली, पॉली माने बहु, ठीक है, और विवाह माने हो गया गेमी, तो बहुविवाह को क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। तो जो कई बार, पॉलीग्लॉट मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ आप सभी लोग। हाँ, जल्दी से इसका माने बताओ। पॉली मतलब हो गया बहुत, यहाँ बहुत से मतलब आ गया, और पॉलीग्लॉट मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सभी लोग, पॉलीग्लॉट मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइगेमी मतलब तीन बार शादी, छोड़ो, ट्राइगेमी का मतलब हो गया, हाँ जल्दी बनाओ, ट्राइगेमी मतलब राजा दशरथ हो गए, ठीक है, राजा दशरथ ने तीन बार शादियां की थी ना, तो राजा। हाँ, पॉलीग्लॉट माने क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी से, पॉलीग्लॉट माने क्या हो जाएगा? पॉली मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, बताओ जल्दी से, पॉलीग्लॉट का मीनिंग, पॉलीग्लॉट की स्पेलिंग सही नहीं लिखे हो राजू, आप पॉलीग्लॉट की स्पेलिंग बताओ सभी लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लॉट, क्या हो जाएगा? 1 घंटे लिखते हो, कितने लोग हैं, टाइप करो फास्ट, पॉलीग्लॉट मतलब क्या हो जाएगा? जो एक से ज्यादा बार शादी करते हैं उसे कहते हैं पॉलीगेमी, ठीक है। तो पॉली जहां आएगा उसका माने मल्टी, कई बार की बात आती है, और ठीक है, ग्लॉट माने होता है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी से, पॉलीग्लॉट का मतलब नहीं बता पा रहे हो आप लोग, हैं? कोई नहीं बता पाया अभी तक पॉलीग्लॉट का मतलब, ठीक है, वेरी गुड, प्रिंस ने सही बताया, बहुभाषी, पॉली माने बहुत और ग्लॉट माने, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बहुभाषी, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पॉलीग्लॉट, ठीक है, यहाँ के लोग, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग बोलने वालों के देश है, पॉलीग्लॉट माने यहाँ पॉलीग्लॉट रहते हैं, बहुत सी भाषा लोग रहने वाले यहाँ बोलते हैं, तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, ठीक है, टू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, जो कई भाषाओं की, कई संस्कृति का मिक्सचर है इंडिया, तो यहाँ कई लोग बोलते हैं, तो पॉलीग्लॉट माने क्या होता है? बहुभाषी। तो याद रखना पॉली जुड़ा है, इसलिए पॉली जुड़ने के बाद बहु याद रखना, ठीक है। हाँ, अब बाईगेमी लिखो, बाईगेमी, बाईगेमी लिखो जल्दी से, माई बाईगेमी, बाईगेमी लिखिए जल्दी से, बाईगेमी, बाईगेमी लिखिए, BIGAMY, बाईगेमी लिखिए जल्दी से, हाँ बाईगेमी, हाँ हाँ बाई गेमी किसे कहेंगे? बाई गेमी माने होता है, बाई माने टू, है ना, तो क्या हो जाएगा बाई गेमी माने? हाँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे बहुविवाह, इसको हिंदी में अर्थ में क्या अच्छा सटीक अर्थ हो सकता है हिंदी में, आप लोग बताओ। हाँ, बाई गेमी का मतलब हो गया द्विविवाह, हाँ, तो बाई मतलब हो गया दो, और द्विविवाह का एग्जाम्पल कोई जानते हो क्या, जो 2 बार किए, जैसे हमारे शशि थरूर, थरूर है, कई बार शादी कर लिए, 2 विवाह किया, कौन किया था? हाँ, मुलायम सिंह यादव किए थे, ठीक है, हाँ मुलायम सिंह यादव लिख दो, 2 विवाह किए थे, और कौन किया था? शशि थरूर तो पॉली वो हो गए, गए पॉलीगेमी वाले हो गए, और कौन किया था ऐसे करके? हाँ, धर्मेंद्र कौन थे, धर्मेंद्र क्या नाम है उसका, सनी देओल के पिता, भी 2 शादी किए थे, तो ऐसे लोग जिन जो एक से ज्यादा बार साया, आपके ग्रैंडफादर भी 2 बार किए थे, ठीक है, तो बाईगेमी वाले कितने हैं? पॉलीगेमी वाला एग्जाम्पल दो सभी लोग, पॉलीगेमी वाला, पॉलीगैमी कहाँ कहाँ हुई बताओ, पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया? हाँ, जोड़ो तो जल्दी से, हाँ पॉलीगैमी का मतलब, हाँ, आपके दादा भी, तो कई लोग 2 शादी किए रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? बाईगैमी। ट्राईगैमी मतलब लिखो, ट्राईगैमी, ट्राईगैमी लिखो, हाँ ट्राईगैमी, ट्राईगैमी लिखो सर जल्दी से, ट्राईगैमी, हाँ ट्राईगैमी, TRIGAMY, ट्राईगैमी। हाँ, राजा अकबर ने कितनी शादी किया था, पता नहीं कितना बार, तो क्या हो गया, त्रिविवाह, 3 बार विवाह करने वाले को ट्राइगेमी बोलते हैं, मोनोगेमी का मतलब एक बार विवाह करने वालों को, है ना, और बताओ सही समझ रहे हो कि नहीं। अब शाहनवाज हुसैन की एक बार भी शादी नहीं होगी, इसो मिसोगेमी लिख दो, मिसोगेमी, अभी तक एक बार भी शादी नहीं किया, इसो लिखो मिसोगेमी, हाँ इसका लिख दो मिसोगेमी, हाँ शाहनवाज हुसैन कितना बार, एक बार भी अभी शादी नहीं किया, इसो क्या कहेंगे, मिसोगेमी, ठीक है, तो गेमी शब्द से इर्द गया, हाँ
कौन है शाहनवाज हुसैन, एक बार भी अभी शादी नहीं किया, बताओ। तो क्या उसे कहेंगे? मिसोगेमी। ठीक है, तो मिसोगेमी, मोनोगेमी, डाइगेमी, ट्राइगेमी, पॉलीगेमी, ठीक है। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, मिसोगेमी। तो आप भी मिसोगेमी हो गए, विनोद भी विनोद मिसोगेमी हो गए, जिसे करना होगा, है ना। हाँ चलो, अच्छा, सबका अलग अलग नजरिया है। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, जो एक शादी करे, दो शादी करे, तीन शादी करे, चार शादी करे, कई बार करे, हमसे क्या लेना देना। तुम लोग भी, तुम्हारा, तुम लोग क्या करोगे? कोई ये एक शादी करेगा तो उसे कहेंगे मोनोगेमी। हाँ हाँ आवाज मेरी नहीं जा रही है क्या? आप लोग बताओ सभी लोग। हाँ मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप लोग कितनी शादी करोगे बताओ, जो लिखो आई। हाँ लिखो सभी लोग आई। तुम लोग कितनी बे आई, तुम पॉलीगेमी बनना चाहते हो, डाइगेमी कि ट्राइगेमी, मिसोगेमी या पॉलीगेमी, ये आपके ऊपर है। हम चलते हैं अगले पे, है ना। हाँ, पॉलीगेमी, लॉर्ड कृष्णा भी दो बार शादी किए थे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ आगे देखना, अगला हम आप लोग चलेंगे। अगला है पुले फास्ट वन, लिखे। हाँ जल्दी लिखो, पुले फास्ट वन लिखो जल्दी से। पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन लिखो सभी लोग। पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन लिखो जल्दी से, पुल ए फास्ट वन। हाँ आप लिखो। हाँ चार, बसंत पाल, चार शादी कर लो। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी से लिखो। पुले फास्ट वन क्या हो जाएगा? पुले फास्ट वन का मतलब तो चार शादी के बाद यही होगा, पुले फास्ट वन। बसंत पाल, यही तुम्हें भुगतना पड़ेगा, पुले फास्ट वन। देखूं बंदर आ गया क्या? एक बार रुको, हाँ चलो। मैंने पुले फास्ट वन, जो शादी चार बार करेगा वो पुले फास्ट वन, फुले फास्ट वन नहीं, पुले फास्ट वन, PULL फास्ट वन लिखो, पुल ए फास्ट वन। सभी लोग लिखिए, बसंत पाल चार शादी करोगे तो तुम्हें पुल ए फास्ट वन से गुजरना पड़ेगा। इसका माने क्या हो जाएगा बताओ सभी लोग? पुल ए फास्ट वन का क्या हो जाएगा मतलब, कोई बताए जल्दी से। हाँ जो चार शादी करेगा इसी से उसे फास्ट वन की तरह खींचा जाएगा, पुल किया जाएगा, ये खींचा जाएगा, तो पुले। हाँ, पहले चार, नहीं, प्रिंस उसके चक्कर में ना पड़ो, पहले पुले फास्ट वन बताओ उसे, जिससे खुद है। पुले फास्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी बनाओ, पुले फास्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा? अभी तक किसी के रिप्लाई नहीं आए, और ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तब भी आप लोग के रिप्लाई नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी कहाँ चल रही है? पुले फास्ट वन इंपॉर्टेंट पढ़ो, पुले फास्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा? अभी तक किसी ने नहीं बताया। हाँ बताओ जल्दी से, पुले फास्ट वन का मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुले फास्ट वन? पुले फास्ट वन का मीनिंग क्या होगा? हाँ तेजी से खींचो नहीं होता है। हाँ ये तेजी से मतलब क्या? तेजी से खींचेंगे, ये भी तो सही हो सकता है, लेकिन इसका ये सही अर्थ नहीं है, ये मुहावरा है। मुहावरा को क्या करते हैं? हाँ जल्दी बताओ। हाँ तो बताओ जल्दी से दूसरे लोग। हाँ राकेश इज द मैन ऑफ बाइगेमी, सो हिज वाइफ पुले हिम पास्ट वन फ्रॉम हेयर एंड देयर। तेजी से खींचना और भी मीनिंग हो सकता है, जल्दी बनाओ सभी लोग। हाँ पुले फास्ट वन का मतलब क्या हो सकता है? और सोचो सभी लोग तेजी से। हाँ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा इसका माने? पुले फास्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं खोज पा रहे हो आप लोग पुले। हाँ पुले फास्ट वन का मीनिंग क्या हो सकता है? हाँ इडियम, मुहावरे का अर्थ बताना है, मुहावरे का अर्थ खींचना है, जैसे किसी की चार, तो पुले फास्ट वन तो क्या हो जाएगा? जल्दी मुहावरे का अर्थ बताओ आप लोग। हाँ इसका माने होता है धोखा देना, डिसीव, डिसीव लिखो सभी लोग, डिसीव। हाँ मत लिखो, डिसीव। हाँ किसी को बड़े ही डिसीव मिलेगा, धोखा मिलेगा, एक रहेगा एक से धोखा, दो मिलेगा दो से, पहले खींचो भैया, है ना। चलो देखो बसंत पाल, क्या मिल जाएगा आपको? धोखा। एक कहेगी ये समस्या, दो कहेगी ये समस्या, इस झंझट में पड़ना मत बेटा, नहीं तो फिर था पूरी जिंदगी चौपाट। चार शादी करके, हाँ
चारों एक हाथ उखाड़ लेगी, दूसरा दूसरा हाथ उखाड़ लेगी, तीसरा तीसरा हाथ उखाड़ लेगी, चौथा चारों हाथ उखाड़ेंगी, चारों चारों ओर से खींचेंगे और चारों खींचे में फिर रोओगे, कहोगे यार मेरी जिंदगी क्या है, एक हाथ दिखाती एक हाथ, सब लोग चीख के कर देंगे। इसलिए तुमको अगर धोखा खाना है तो डिसीव करो, चीट करो, बिट्रे लिखो, सभी लोग बिट्रे मिलेगा, समझे कि नहीं बसंत पाल, बिट्रे लिखो बेटा, इसके लिए बिट्रे लिख दो। हाँ, दो हाथ दो पैर चार शादी करने के लिए कह रहा है, दो हाथ दो पैर। हाँ, राजा दशरथ को मार डाली, देखो तीन लोग मिलके, और तुम सोच रहे हो चार शादी करने के लिए। हाँ, चाट मत करना, राजा दशरथ की तीन से प्रवाह थे, जैसे बवाल हुआ मर गए बेचारे, देहांत हो गया तो चार हो गए, चार शादी करना मत। पूले फास्ट वन का मतलब क्या हमने बता दिया, डिसीव बता दिया, बिट्रे की स्पेलिंग ही गलत लिख दिए प्रिंस, हमको तो सर ठोकना पड़ेगा लग रहा है, आप लोग गलती। हाँ, डिसीव बिट्रे चीट, चीट कर जाएगी, चीट कहेगी तुम लोग चीटर हो, कहेगा यू आर चीटर। अच्छा बताओ, चुप्पे चुप्पे करोगे, बता के करोगे, पहले वाली से बताओगे दूसरे की शादी करोगे, कैसे करोगे बताओ बसंत, कैसे करोगे शादी, पहले वाले से करोगे, दूसरे से चीट करोगे कि नहीं, तीसरे धोखा करोगे, चौथा से नहीं, करने ही नहीं देंगी तो चीट करेंगे कि नहीं बताओ, आप ही लोग बताओ, चीट करेगा कि नहीं, चीट करोगे। तो इसलिए धोखा अगर देना है किसी को तो भाई पूले फास्ट वन करना है तो चार शादी करो, ठीक है, नहीं तो भैया हम तो कहेंगे चार शादी मत करना, है ना। हाँ, चार शादी मत करना, और लोगों की शादी होने दो, ठीक है, कुछ लोग बेचारों की शादी नहीं होती है, लड़कियों का एवरेज कम है, इसलिए ऐसा मत करना, शादी जो है एक ही करना, नहीं मानोगे बात है क्या है। हाँ हाँ चलो, अच्छा पूले फास्ट वन का मतलब हो जाता है किसी को धोखा देना, शादी के लिए धोखा देना, चीट करना, चीट लिखो, चीट माने हाँ हाँ चीट माने CHEAT चीट। हाँ, बिट्रे, डिसीव, डिसीव की स्पेलिंग क्या लिखे हो, हाँ जल्दी लिखो डिसीव, लेकिन मेरा विश्वास नहीं तुम कह दियो बसंत पाल, इसलिए मुझे पूरा संशय हो गया कि तुम कहीं कर ना लो चारों भाई। हाँ लिखो जल्दी डिसीव, डिसीव लिखो सभी लोग डिसीव, हाँ हाँ जल्दी लिखो डिसीव, डिसीव स्पेलिंग देखो ये याद रखना, DECIV रॉकी रॉक सही है, DECIVE। अब भी स्पेलिंग लिखो बिलीव की, बिलीव की स्पेलिंग लिखो सभी लोग, हाँ हाँ बिलीव लिखो, बिलीव 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 लिखो जल्दी से, बिलीव 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 लिखो, बिलीव हाँ बिलीव लिखो जल्दी से, बिलीव वेरी गुड। अब रिसीव लिखो, रिसीव रिसीव लिखो सभी लोग, रिसीव हाँ बिलीव हाँ बिलीव लिख दिया, अब रिसीव लिखो सभी लोग, रिसीव हाँ अगला बनाओ जल्दी से, रिसीव बताओ जल्दी से, हाँ वेरी गुड। अगला बनाओ, अगले वर्ड का आप लोग को सेनानी ढूंढना है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप नहीं बता पा रहे हो, आप लोग को थोड़ी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इतना छोटा छोटा आंसर नहीं बता पा रहे हो। हाँ चलो, अगर एस्टोनिशमेंट लगे हो, एस्टोनिशमेंट एस्टोनिशमेंट एक बार लिखो जल्दी से, एस्टोनिशमेंट लिखो, एस्टोनिशमेंट एस्टोनिशमेंट लिखो, एस्टोनिशमेंट हाँ एस्टोनिशमेंट, यस बसंत पाल लिखो, एस्टोनिशमेंट लिखो। हाँ अब चार शादी करोगे सब कहेंगे अरे एस्टोनिशमेंट हो जाएंगे, अरे एक और लड़का कर दिया, चार शादी कर लिया, तुम्हारे गांव में पूरा हल्ला हो जाएगी, एस्टोनिशमेंट लिखो, एस्टोनिशमेंट हाँ एस्टोनिशमेंट लिखो, एस्टोनिशमेंट ASTONISHMENT एस्टोनिशमेंट लिखो। थैंक यू वेरी मच, मजा आ रहा है तभी 11 लोग लाइक कर दिए, इनको उनके मजा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर भी इन्हें पसंद करें, बहुत बहुत शुक्रिया 11 लोग 60 लोगों में। एस्टोनिशमेंट लिखो जल्दी से, एस्टोनिशमेंट एस्टोनिशमेंट। अब देखो ध्यान दो, एस्टोनिशमेंट लिख दिए, जब चार शादी कर लोगे तो तुमको क्या हो जाएंगे, एस्टोनिशमेंट, अरे ये क्या कर दिया, अरे ये बसंत पाल बाबा कहेंगे चार शादी कर लिए, हम किए थे तुम्हों के लिए पांच चार शादी, सब डांटेंगे तुमको, तो एस्टोनिशमेंट सरप्राइज कर जाएंगे, नहीं बताओ आज के जमाने में अगर बसंत पाल चार शादी कर लेगा बताओ सरप्राइज होंगे कि नहीं, यस या नो बोलो, एस्टोनिशमेंट मतलब अगर एक चार शादी कर लिया तो सरप्राइज हो जाएंगे कि नहीं, सभी बताओ सभी लोग, आज अगर चार शादी हम ही कर लें और यही GIC में आओ और तुमको कहे हाँ हाँ कहोगे कि क्या नाम है, कितना बार शादी कर लिया सर, चार बार, तुम हो चार बार शादी के, एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित, हाँ चार शादी किए तब तक आश्चर्य में पड़े सब लोग, ठीक है। हाँ अब आगे लिखो जल्दी से, इल्यूजन इल्यूजन लिखो, ILLUSION इल्यूजन लिखो, इल्यूजन ILLUSION इल्यूजन का मतलब बताओ जल्दी से, ILLUSION जल्दी लिखो इल्यूजन। हाँ
हाँ जल्दी लिखो, इल्यूजन, ILLUSION, बताओ। अब बताओ, इल्यूजन में पड़ जाएंगे सब लोग, कहेंगे अरे बसंत ने चार शादी कर ली, अरे कहाँ है बसंत, बसंत को बुलाओ, तो इल्यूजन में पड़ जाएंगे, है ना। इल्यूजन का मतलब बताओ जल्दी से, इल्यूजन का मीनिंग, हाँ इल्यूजन का मीनिंग बताओ जल्दी से। हाँ अगर तुमको नहीं देखे रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, बताओ जल्दी से। हाँ इल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ इल्यूजन, हाँ इल्यूजन माने भ्रम, लिखो, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। हाँ इल्यूजन का माने क्या होता है, भ्रम में पड़ जाएंगे, माया में, ओ इसकी क्या माया है, ठीक है, कहीं धूप कहीं छाया, चल मेरी माया, ठीक है। हाँ हाँ आगे दिया, नहीं बसंत पाल मैं आपको कुछ नहीं बोला, आप तो बच्चे, हम लोग मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हम तो खुद ही कहे कि चार शादी हम करेंगे, तो ठीक है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो मेरी बात को, सॉरी, ठीक है। हम तो शाहनवाज हुसैन को बोल दिए, ठीक है, सबको बोल देते हैं, मेरे बच्चे हो तुम लोग, तुमको नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा, अच्छा आई एम सॉरी। चलो आगे देखो, चलो अच्छा क्या हो जाएगा, कोई शादी कर लेगा, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, भ्रम में ना पड़ जाना, लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, कैसे, और चारों लोगों की पत्नी रहेंगी, चार लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, जानते नहीं इसकी कौन पत्नी है, पहली दूसरी तीसरी, हाँ चले कहेंगे अरे पता ही नहीं चलेगा कौन पहली है कौन दूसरी है, तो इल्यूजन माने क्या हो जा रहा है, भ्रम, ठीक है। भ्रम मतलब क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, व्हिच विच इज योर फर्स्ट वाइफ विल पीपल बी लास्ट, योर व्हिच इज योर फर्स्ट, तो भ्रम में पड़ जाएंगे, ठीक है, तो भ्रम माने होता है इल्यूजन, वेरी गुड। हाँ अब बताओ, ऐसी कविता जिसमें बहुत सारे भ्रम हो उसको क्या कह सकते हैं, बताओ, हाँ उसको क्या बोल सकते हैं, बताओ, हाँ हाँ बताओ जल्दी से, एक बताओ, नहीं रहने दो, अच्छा हाँ इल्यूजन का सेनानिम बता दो, छोड़, अच्छा इल्यूजन का सेनानिम बताओ, बताओ जल्दी से, हाँ इल्यूजन का सेनानिम बता दो, हाँ बताओ जल्दी से इसका, बताओ जल्दी से इल्यूजन का सेनानिम बता दो, हाँ इल्यूजन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इल्यूजन का जल्दी बताओ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इल्यूजन, ऑफ द वर्ड इल्यूजन, इल्यूजन की सिनोनिम क्या हो जाएगी, सभी लोग बताओ इल्यूजन का सिनोनिम क्या हो सकता है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताओ व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन का कंफ्यूजन, ठीक है, हाँ इल्यूजन का मतलब हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है, एक वर्ड होता है जिसमें लोग कंफ्यूज, मरीचिका क्या बोलते हैं इसको, डायलमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें लोग भ्रम में पड़ जाते हैं आखिर क्या है उसका वर्ड, अगर किसी को याद हो तो मुझे याद दिला दो, बहुत बहुत धन्यवाद बोल दूंगा। इल्यूजन एक वर्ड होता है जिसमें लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ आ गए, है ना, हाँ मुझे, है ना, हाँ इल्यूजन माने, हाँ हाँ चलो आगे देखो, जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अब अगला बताओ, अराइवल, अराइवल का क्या हो जाएगा, एंटनिम, एंटनिम क्या हो जाएगा अराइवल का, अराइवल का एंटनिम बताओ, देखो अराइवल का एंटोनिम बताओ, अराइवल, 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 मेज, वेरी गुड, मेज हो जाएगा, मेज माने भी भ्रम होता है, ठीक है, कोई चीज कंफ्यूजन में रहे तो ये मेज बोलते हैं, मेज, ठीक है, मेज, मेरा उद्देश्य एक ही नहीं होता पढ़ाना, साथ ही साथ आप आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए जुड़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा मतलब होता है कि तुम्हें थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ा देना, ठीक है, हर चीज टॉपिक पे आगे देखो, अराइवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइवल, एंटोनिम क्या हो जाएगा अराइवल का, अराइवल का एंटोनिम क्या होता है बताओ, अराइवल मीन्स क्या होता है, कम कम कम, तो अराइवल का सनानिम क्या हो जाएगा, अराइवल का मतलब क्या हो जाता है, डिपार्चर, वेरी गुड, तो अराइवल माने होता है आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है लीविंग, तो अराइवल का मतलब कमिंग कमिंग कमिंग, और डिपार्चर मतलब गो 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 गोइंग, तो अराइवल मतलब हो गया कमिंग, और डिपार्चर मतलब हो गया गोइंग, तो अराइवल मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर माने प्रस्थान, तो यह मीनिंग कई बार पूछी गई है, ठीक है, हाँ इस मीनिंग को ध्यान देना सभी लोग, हाँ ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए इसको ध्यान से देखो सभी लोग, अराइवल माने आगमन और डिपार्चर माने प्रस्थान, हाँ अराइवल का मतलब क्या हो जाएगा, आगमन, अगला लिखो जल्दी से, हाँ अगला है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ ही सेड, लिखो ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, ये बनाओ, हाँ पहले प्रश्न लिख दो, ही सैड, कोई बच्चा लिख देगा तेजी से, थैंक यू वेरी मच, 14 पहुंच गया लाइक का कैटेगरी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, 14 लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे लिखो, ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, इसका लिखो, ही सैड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, ये लिखो,
वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ. थैंक यू लगे आगे लिखे वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. ही सेड लगाओ फिर कामा इनवर्टेड कामा लगाओ फिर लगाओ वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. ये लिखो वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. ये बनाओ वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ लिखो. हाँ ही सेड लिखो उसके बाद वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ लिखो. ही सेड लगाओ वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. ये बनाओ जल्दी से. हाँ तो बताओ जल्दी से. हाँ तो बताओ इसका क्या हो जाएगा. हाँ हाँ बताओ आगे आगे दूसरा बनाओ जल्दी से. राजू ने बता दिया ही टोल्ड हाँ दैट दे कुड ना. दूसरा बनाओ बच्चों जल्दी बनाओ बेटा. हाँ दूसरा बनाओ बच्चों. इन्होंने बना दिया इन्होंने अपना दिखा दिया. और कोई सुधार करना है तो बताओ बच्चों. इन्होंने बना दिया वी कैन नॉट बी हमने बोला था वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी ठीक है. उसके बाद क्या लगाना है. अगला बनाओ बच्चों. हाँ दैट लगा दिया. दैट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी जब टू मी नहीं लगा था और ना तो कोई फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो इसने गलत किया. फिर दूसरा बनाओ दूसरे बच्चे बनाओ है ना. दैट टोल्ड लगाए तब जाता है जब सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं. ऐसे ही गलती करते रहो तुम लोग. हाँ फिर तो हो गया काम. हम क्या बता रहे हैं लिखो. ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. हाँ अगला बनाओ. ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. हाँ ही सेड दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ. हाँ थोड़ा सा ही किए हो और बताओ. अभी अभी आपको दिक्कत है. हाँ ही सेड दे हैड नॉट क्वाइट हैप्पी ठीक है. हाँ और बनाओ जल्दी से. दूसरा बनाओ जल्दी से. हाँ और चेंज हो सकता है क्या. चेंज हो सकता है बनाओ जल्दी से. हाँ ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. नहीं हो जाएगा इन दैट लाइफ होगा ना है ना. तो क्या हो जाएगा दिस का दैट होता है कि नहीं. आप लोग ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते रहो हमेशा गलती करते रहते हो. ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी ये क्या लिखे हो है? और दूसरी बात ये बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बनता है. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन एंड जेंडर ऑफ सब्जेक्ट. तो ही के अनुसार दे होगा कि ही होगा बताओ जल्दी से. आप बताओ. हाँ ये यहाँ पे क्या बनाए हो ऐसे ही पढ़ोगे आप लोग. फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार. तो पर्सन नंबर तो ये क्या है सिंगुलर है ना. तो वी क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ना. ही कुड नॉट हो जाएगा. एक बार जाके देखना आप लोग यहां दे कैसे आएगा हमको ये बताओ कि नंबर नहीं चेंज होता है. आप इस पर कंफर्म करो जल्दी से. हाँ सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा बताओ आप लोग. हाँ जल्दी बताओ जल्दी से. हाँ तो क्या हो जाएगा बताओ आप सभी लोग. ही सेड दैट दे कुड हाँ बताओ आप सभी लोग क्या बना रहे हो. ही सेड दैट आप बताओ. जो आप लोग वी को किसमें बदल रहे हो चलो प्लूरल है लेकिन वो किसके अनुसार बनेगा है? तो क्या बनेगा सुन बताओ. ही सेड हमने एक वाक्य बोला था ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ. तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट दे हाँ दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ. वेरी गुड. और क्या हो जाएगा अपने हिसाब से लिख देना ठीक है. हाँ हाँ अभी तक देखो जाके अभी तुम लोग सही बना पा रहे हो बताओ कितनी समस्या वाली बात है. पहली बात तो मेरी क्लास में आप तब बताया करो जब पूरा श्योर हो जाया करो कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं. सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. आप सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दे रहे हो सब्जेक्ट के अनुसार बदल नहीं रहे हो. सब्जेक्ट के अनुसार हमने बोला बदलने के लिए ना तो सब्जेक्ट के अनुसार क्यों नहीं बदल रहे हो. सब्जेक्ट के अनुसार बदलो. ही सेड दैट ही कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ. अब जाके करेक्ट हुआ बताओ. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं. या फर्स्ट पर्सन था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना था हैं. अगला बनाओ जल्दी से. थोड़ा बड़ा है लेकिन पूछा गया तो बताना जरूरी है. हाँ कैन नॉट का कुड नॉट बन गया. अगला देखो जल्दी से. अगला लिखो माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो. लिखो जल्दी से.
हाँ पहले तो कोई लिख दो, माई फ्रेंड सेट टू मी, लिखो माई फ्रेंड सेट टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ये लिखो। हाँ जल्दी बनाओ सभी लोग। हाँ आप प्रैक्टिस हल करो केवल, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना, प्रैक्टिस सेट हल करो, प्रैक्टिस सेट, बट पढ़ाई पूरी हो गई, प्रैक्टिस सेट हल करो डेली। हाँ, माई फ्रेंड सेट टू मी लगाओ, फिर कमा इन ऑर्डर लगाओ, आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ये लिखो पूरा लिखो। हाँ माई फ्रेंड सेट टू मी, मेरा फ्रेंड ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड सेट टू मी आई केम टूडे, मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ये लिखो, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ये लिखो। कोई लिख दो बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, ये लिख दो ताकि सभी लोग को सहूलियत हो जाए, है ना। माई फ्रेंड सेट टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। ब्लैक बोर्ड के इंतजार में हूं। कोई बात नहीं बेटा बसंत, आगे देखो। माई फ्रेंड सेट टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, लिखो। आई हैड कम दैट डे, ठीक है, एंड फिर से बनाओ। फिर से बनाओ, क्या बताएं। माई फ्रेंड सेड टू मी पहले लिखो, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, आई केम टूडे मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो और कल जाऊंगा, यही बनाना है। ये देखो लिख दिए हैं प्रिंस मिश्रा। अब हाँ आई विल लीव बेटा, यहाँ प्रिंस छोड़ने वाला, जाने वाला, LEAVE लीव, हाँ ये वाला, इसका बनाओ, अभी तक किसी ने सही नहीं बनाया, बताओ जल्दी बनाओ इसका, देखते हैं कौन बना लेता है। माई फ्रेंड सेट टू मी, ठीक है ये हो जाएगा, उसके बाद है कामा इन्वर्टेड कामा, आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। हाँ दूसरा बनाओ, राजू का गलत हो गया, दूसरा बनाओ बेटा, दूसरा कोई बनाओ, सही करके दिखाओ इसको तो। हाँ दूसरा कोई बनाओ जल्दी से बेटा, हाँ जल्दी जल्दी बनाओ सभी लोग, कोई सही बना के दिखाओ, मैं इंतजार में हूँ, लिख दिया है, देखो ये लिख भी दिए हैं। हाँ स्माइल गर्ल ने लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव आगरा फॉर टुमारो, ठीक है, फॉर लीव, फॉर रहेगा, फ्रॉम नहीं, वहां पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, सही बना के दिखाओ सभी लोग। हाँ बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी बनाइए इसको। माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव आगरा फॉर टुमारो, यही तो लिखना है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। हाँ अभी आपका राजू सही नहीं हुआ, फिर से बनाओ, दूसरा बच्चा बनाओ बड़े बेटा, दूसरा लोग बनाओ, बनाओ जल्दी से, अपना अपना मत दो, प्रश्न कॉपी पे लिख लो, जल्दी सोचो। हाँ प्रश्न है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, यही है प्रश्न। सानवा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम, हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ तो ही हैड, हाँ कम दैट डेट एंड ही विल लीव आगरा द नेक्स्ट डे, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ ही हो जाएगा, ये चीजें याद रखो। माई फ्रेंड के अनुसार आई क्या हो जाएगा, फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो आई किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में, तो इसका क्या हो जाएगा। आई वाज नहीं लगेगा, हैड ही लगेगा, परफेक्ट में जाएगा, लेकिन पर्सन किस में चला जाएगा, ही में चला जाएगा, जो माई फ्रेंड है उसमें फ्रेंड होता है, माई से नहीं, फ्रेंड है, थर्ड पर्सन, तो दैट के बाद क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, थर्ड पर्सन, आई थर्ड पर्सन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड, हो जाएगा ना, ही हैड कम दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, उसके बाद यहां पे शाहनवाज हुसैन विल का वुड हो जाएगा ना, हैं, यहां विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा ना। हाँ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड, जो नए जुड़े हैं वो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लें, तभी ये समझ में आएगा सेशन।
माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। ये सही लिखा है, सौम्या सही लिखी है। और ये रॉकी रॉक्स, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम, ठीक है, दैट डे एंड ही वुड लीव आगरा फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर नेक्स्ट डे। हमारे ख्याल से डा नेक्स्ट डे नहीं होता। अच्छा, तो ये सारी चीजें आप लोग बताओ, ऐसे गलती कर रहे हो, विल का वुड नहीं हो जाता है, सेल का सूट हो जाता है। लिखो सभी लोग, 15 लोग लाइक किए, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आप मेरी मेहनत को सराहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने क्या बोल दिया आप लोगों को? हाँ, लिखो विल का वुड हो जाता है, सेल का सूट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ये सब मिस्टेक कर रहे हो आप लोग मेरा मूड खराब करके। विल का वुड नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन आई ही नहीं हो जाएगा, इसमें नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ बदल लो, जब आई को ही नहीं कर पाओगे तो प्रश्न कि नंबर कैसे मिलेगा। हैड लगेगा बेटा यहाँ पे, चूंकि आई केम है, दूसरे वाले मूड हो जाएगा पहले वाले में, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट लिखो, पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का लिखो, पास्ट इंडेफिनिट इक्वल टू पास्ट परफेक्ट लिखो सभी लोग, पास्ट इंडेफिनिट इक्वल टू पास्ट परफेक्ट लिखो सभी लोग। प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो अपने से, खाली नियम मत रटो, अब नियम एकदम ना करो, केवल नियम कहीं से भी तो प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ। गया एक नंबर, आई को ही नहीं बदल रहे हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, लिखो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखो। थैंक यू वेरी मच, 15 लोग पसंद किए, थैंक यू वेरी मच। मे का माइट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, अंग्रेजी में नंबर ऐसे मिलते नहीं है, और आप लोग ऐसे गलत कर दो फिर इंप्रेशन गलत चला जाएगा, बड़े क्वेश्चन में भी नंबर कम मिलेंगे जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करोगे। तो कुछ करना नहीं था, आई केम टूडे पास्ट इंडेफिनिट दिखा, पास्ट परफेक्ट में बदल दिए, उसके बाद आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, विल लग गया, विल देखते ही वुड में कर दो, केवल आपको वो बनता सब पर्सन बदलना है, बात खत्म हो गया। अगला बनाओ सभी लोग, दूसरा। मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए गलती ना करो बेटा, कोई गलती करोगे तो हम इसीलिए ये कर रहे हैं, तुम जानते हैं सो रहोगे, जब यहां आओगे धक्का लगेगा तब समझ में आएगा। जी जी जी, दूसरा लिखो, ही गेव देम एडवाइस लिखो, ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली लिखो, लिखो ही गेव देम एडवाइस, ही गेव देम एडवाइस लिखो, ही गेव देम एडवाइस, ही गेव देम एडवाइस लिखो, ही गेव देम एडवाइस, उन्होंने वो उसने उसे उन लोगों को एडवाइस दी, ही गेव देम एडवाइस लिखो, ही गेव देम एडवाइस, ही गेव देम एडवाइस, ही गेव देम एडवाइस लिखो, ही गेव देम देम एडवाइस, पहला सेंटेंस है। हाँ, और ही हेल्प देम लिबरली, ठीक है, लिबरल जानते हो ना, लिबरली, हाँ ही हाँ, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ही हेल्प देम लिबरली, ही हेल्प देम लिबरली लिखो जल्दी से, लिबरली, ही हेल्प देम लिबरली, ही गेव देम एडवाइस, उन्होंने उसने उसे एडवाइस दी उन लोगों को, ही हेल्प देम लिबरली, दूसरा सेंटेंस लिखो, पहला ही गेव देम एडवाइस, दूसरा ही हेल्प देम लिबरली, लिबरली लिबरली हमने बोला है, लिबरली का मतलब आल लिबरल, लिबरल एल आई बी ई, हाँ लिबरली लिखो, एल आई बी ई आर ए एल एल वाई लिबरल लिखो सभी लोग, हाँ ये स्पेलिंग सही लिख दिया राजू, दो सेंटेंस हमने दीजिए दोनों बेटा एक बार साथ लिखो, पहला लिख दो ही गेव देम एडवाइस, दूसरा लिख दो ही हेल्प देम लिबरली, दोनों एक साथ लिखो एक साथ, हाँ लिबरल माने जेनरसिटी, वेरी गुड, हाँ जेनरसिटी, हाँ जेनरस जेनरसली हो गया। अब अगला एक साथ लिखो बेटा राजू, He gave them advice, उसने उसे, he gave them advice, हाँ he helped them liberally, comma inverted comma, दो sentence है, अब दोनों को आप simple बना के देखो, बताओ इसको, आप इसका compound बनाओ, इसका compound बनाओ, सभी लोग compound इसका बनाओ, compound sentence, हाँ इसका कंपाउंड बनाओ, देखो
हाँ इसका कंपाउंड बनाओ बेटा, हम बिहार डांस नहीं होगा, कहीं बिजी होगा, क्या करेंगे चलो। हाँ, हम क्या उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या बताएं, बहरम लड़का अच्छा है, कहीं होगा, आगे बनाओ जल्दी से। हाँ घूम रहा होगा, कहीं गया होगा बाजार उधर। हाँ बनाओ जल्दी से, इसका कंपाउंड बनाना, देखता हूँ कौन कंपाउंड अच्छा बना लेता है। हाँ ही देखो राजू बेटा, ही गेट देम एडवाइस एंड हेल्प देम लिबरली, और एज वेल एज बहुत अच्छा है, ठीक है, एज वेल एज भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ही गेव देम एडवाइस एज वेल एज ही हेल्प देम, ऐसे भी बना सकते हो। तो याद रखना सभी लोग, ही गेव देम एडवाइस। अच्छा बताओ, इसको सिंपल बनाओ सभी लोग, सिंपल, जो पढ़े होंगे वही जान पाएंगे, और सभी लोग सीखें दूसरे से जो बना रहे हैं। हाँ अभी मैं कनेक्ट विथ नेचर, देखो सही करो, हमें बैरम डांस नहीं, वो समझे कि नहीं। हाँ बेटा आगे बनाओ जल्दी से, हम दूसरा बना रहे हैं आपको। हाँ दूसरा बनाओ आप लोग, मैंने क्या बोल दिया, इसका सिंपल में बना के दिखाओ, सिंपल सेंटेंस बनाओ जल्दी से, पूछा गया क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस है। पहला ही गेव देम एडवाइस एंड ही हेल्प देम, ये हो तो हो गया, एंड फैन बॉय से बना लिए, हो गया काम खत्म, एज वेल एज से बना लो तो बना लोगे, पर आप बताओ सिंपल बनाओ, ही गेव देम एडवाइस एज वेल एज ही हेल्प देम लिबरली, ये हो गया, रॉकी रॉक्स ये वाला बना ले जाओगे मुझे मालूम है, लेकिन इसका सिंपल बनाओ देखो। हाँ इसका सिंपल बनाओ, सिंपल सिंपल सेंटेंस, तीन सेंटेंस होता फिर जाके पढ़ना आज, सिंपल बनाओ सभी लोग, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ सभी लोग, सिंपल सेंटेंस। हाँ इसका सिंपल बनाओ, सिंपल, हाँ ये तो हो गया एंड वाला बेटा, ये कंपाउंड हो गया, सिंपल होता तीन प्रकार से होते, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो हाँ थैंक यू थैंक यू, 15 लोगों ने 50 में लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया, 48 मिनट बाद तक, तो थैंक यू। अगला बनाओ आप सभी लोग, इसका सिंपल बनाओ, सिंपल, अभी तक कंपाउंड था, फैन बॉयज आ गया, कंपाउंड एंड कंपाउंड में आता है, एज वेल एज कंपाउंड में आता है, सिंपल बनाना है। हाँ सिंपल में बनाओ सभी लोग बच्चों, हाँ सिंपल में बना के दिखाओ, ही गेव देम सेंटेंस, सेंटेंस लिखो, ही गेव देम एडवाइस पहला सेंटेंस है, दूसरा ही हेल्प देम लिबरली, इसको आप सिंपल में बना के दिखाओ, बीइंग गेव देम एडवाइस, देम एडवाइस्ड ही हेल्प देम, नहीं, और दूसरा बनाओ, और थोड़ा सा ये सटीक ले जाओ, आप इसका पार्टिसिपल का यूज कर रहे हो लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, अर्थ नहीं आ रहा है उतना अच्छा, दूसरा बनाओ सोच के, दूसरा बच्चा बनाए। हाँ अमित सिंह आपको इसको सिंपल में बनाना है बेटा, सिंपल में एंड नहीं आता ना तो एज वेल एज आता है, सिंपल का बनाना है, सेंथेसिस का पार्ट है, और दूसरा बनाओ। बीइंग गिविंग, बीइंग के बाद पहली बात तो हमारे ख्याल से गिविंग नहीं होता, बीइंग के बाद गिवेन होता होगा, चलो अच्छा छोड़ो, अब ये सटीक नहीं बना पा रहे हो, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ सभी लोग, नहीं, और दूसरा बनाओ इसका, देखो हमेशा इंस्पायर्ड आप हो जाएगा, ठीक है, इंस्पायर्ड, हाँ इंस्पायर्ड आप, इन स्पाइट आप या डिस्पाइट हो जाएगा, इन स्पाइट आप लिखो, हाँ इन स्पाइट आप गिविंग देम एडवाइस लिखो, इन स्पाइट आप लिखो जीरंड का, जहां दो चीजें थी, जहां जान लेना, जहां एंड का एज वेल एज का प्रयोग होगा, इन एडिशन का दो चीज का, जहां एंड का दो चीज सिमिलर हो वहां हम इन स्पाइट करके प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हाँ नहीं पढ़े हैं ठीक है, अगली साल पढ़ाएंगे ना, आओ पढ़ो इसे, ये बचपन में आप सीख रहे हो ना आज, ठीक है, अगला बनाओ सभी लोग। हाँ 15 लोगों को पसंद आया ना, 15 लोग पढ़े हैं ना, आगे बनाओ जल्दी से, थैंक यू वेरी मच, 15 आगे बनाओ जल्दी से, इन स्पाइट ऑफ लगाओगे, अभी मैं फिर दूंगा तो फिर सिंपल में ही आता है जी,
इन स्पाइट ऑफ लिखो, इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम एडवाइस, फिर कामा लगा दो, फिर इसके बाद हो जाएगा ही हेल्प देम लिबरली, ऐसे बनाओ दो, इन स्पाइट ऑफ लगाओ सभी लोग, इन स्पाइट ऑफ लगा दो, इन स्पाइट ऑफ लगाओ बेटा, ऐसे सीखोगे मिसिंग। मैं ऐसे बहुत ज्यादा इनको डिटेल नहीं बताता हूं, फिर यहां पे सीखो आज जाके, फिर पढ़ना यहां गलती करके एक बार देख लो, फिर जाके घर पे पढ़ना कि सर क्या बता रहे थे, अपने आप आ जाएगा। हाँ मैं कई बार पहले ही प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर जाके आंसर लगाता हूँ, उससे गेस लगता है कि क्या क्या था। हाँ कैसे था, बनाओ जल्दी से। इन स्पाइट ऑफ राजू अलग अलग होता है, सभी लोग इन स्पाइट ऑफ अलग अलग लिखना, एक साथ ना लिखो। इन स्पाइट ऑफ तीन शब्द है, इन स्पाइट ऑफ, देखो सब लोग एक साथ लिख रहे हैं, एक लिख देगा तो सब उसी से भेड़ की तरह बने रहे। हम इन स्पाइट ऑफ कह रहे हैं तीन बार में लिखा जाता, पहले लिखो इन, दूसरा लिखो स्पाइट, तीसरा लिखो ऑफ। इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम एडवाइस, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इन स्पाइट ऑफ, हाँ इन स्पाइट ऑफ, देखो ध्यान देना, इन स्पाइट ऑफ अक्सर आप देखोगे जैसे इन स्पाइट लगेगा उसके बाद वाला जीरण रहेगा आईएनजी फॉर्म में, तो गिविंग क्या है यहाँ पे एडवाइस, गिविंग में आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम एडवाइस, बेटा राजू यहाँ इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम एडवाइस, हाँ ये पहले में देम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे में लगाई हो, तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग एडवाइस ही हेल्प देम लिबरली, वेरी गुड। तो इसका बना लोगे आप, समझ में आ गया कि नहीं, है ना। आफ्टर गिविंग, ये आफ्टर भी लगा सकते हो, आफ्टर गिविंग एडवाइस ये भी बना दो आफ्टर से, इसको बोलते हैं यूज ऑफ प्रेपोजिशन से बनाओगे, जीरंड से बनाओगे, इसे जीरंड इस भी बोल सकते हो, प्रेपोजिशन बनाते हो, इसको इस तरीके भी लिख सकते हो, आफ्टर गिविंग देम एडवाइस लिखो, आफ्टर गिविंग एडवाइस लिखो जल्दी से। हाँ आफ्टर, इन स्पाइट की जगह पे आफ्टर भी लिख सकते हो, आफ्टर गिविंग देम एडवाइस कामा लगाओ, फिर ही हेल्प देम लिबरली, एक देम हटा देना चाहे पहले वाला चाहे बाद वाला, कोई मतलब नहीं एक का, आपको अर्थ क्लियर जितने हो जाए उतना ही लिखना है। तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम एडवाइस ही हेल्प देम लिबरली, तो आफ्टर भी लगा सकते हो, मतलब पहले उसने क्या किया एडवाइस दिया, उसके बाद क्या किया है तब जाके उसने क्या किया उसको मदद की है। हाँ इन स्पाइट ऑफ की जगह पे इसको क्या बोलते हैं, इसको आप जो है जिरंड का प्रयोग करके भी बोल सकते हैं और प्रेपोजिशन का भी, तो इस तरीके से बनाना है ना। हाँ वेरी गुड, ही हेल्प देम लिबरली, वेरी गुड। अच्छा अगला डिमांड आ गया, अगला बनाओ देखो। हाँ द किंग वॉज इल, लिखो द किंग वॉज इल, फिर फुल स्टॉप, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस, बताओ द किंग वॉज इल, पहले कोई लिख दो बच्चा जो मैं सुन रहा हूं आप लोगों को, द किंग वॉज इल लिखो, द किंग वॉज इल मतलब जो राजा था वो बीमार था, दूसरा है द पीपल हर्ड द न्यूज, हियर द पीपल, हाँ द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज, हाँ दूसरे में क्या है लोगों ने उस न्यूज को सुना, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस, एंड वेंट टू द पैलेस लिखो। हाँ हाँ हो गया मिसिंग हो गया, दूसरा बना लो बेटा, द किंग वाज इल, राजा क्या था बीमार था, फिर फुल स्टॉप लगा दो, उसके बाद लिखो द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस, बनाओ जल्दी से तब बताता हूं क्या बदल, किसमें बदलना है, आज जाके इसको पढ़ना अच्छे से। पहला है द किंग वाज इल, हाँ, अगला बनाओ बेटा जल्दी से, द किंग वाज इल पहला लिखो, उसके बाद लिखो द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस बनाओ, एंड वेंट टू द पैलेस, द किंग वॉज इल मतलब राजा बीमार था, उसके बाद द पीपल हर्ड द न्यूज, लोगों ने क्या किया उस न्यूज को सुना, उसके बाद एंड लगाओ वेंट टू द पैलेस, लिख लिए देखो सौम्या ने लिख लिया, कोई गलती ना करे, अजय सिंह के नाम से। हाँ द किंग वॉज इल पहला हो गया, उसके बाद द पीपल हर्ड द न्यूज, न्यूज में बेटा यहाँ न्यूज में यस जोड़ दो, न्यूज है, एंड वेंट टू द पैलेस, ठीक है। अब इसका बनाओ आप लोग सिंपल में, सिंपल बनाओ इसका, सिंपल बनाओ सभी लोग सिंपल, सुबह हम कल इस पर कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, आज पढ़ लो,
ताकि आपको मालूम हो हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुबह की क्लास में सभी लोग जुड़ना ना भूलें, कल सुबह की चर्चा में हम ये सब चीजें फिर से कॉन्सेप्ट लाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे आपको क्या पढ़ा रहे थे, उसके लिए आज जानना जरूरी है अच्छे बेहतर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। 15 लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर जन्नत दे, बहुत बहुत खुशियां दे, आनंदित रखे। जब भी आप कभी मेहनत करें तो आपको भी लोग सराहना करें। चलिए आगे। द किंग वाज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज, न्यूज हो गया एंड वेंट टू द पैलेस, क्या हो जाएगा? द किंग वाज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। नहीं, दूसरा बनाओ जल्दी से। हाँ, अगला बनाओ जल्दी से, अगला बनाओ जल्दी से, दूसरा बनाओ जल्दी से। हाँ, जल्दी बनाओ जल्दी से। द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। इसका बनाओ फुलिस्ट, इसका सिंपल बनाओ सभी लोग। द किंग वॉज इल, लड़का बीमार, राजा बीमार था। द पीपल हर्ड द न्यूज, फिर लोगों ने उसके न्यूज को सुना एंड वेंट टू द पैलेस। दो सेंटेंस है, द किंग वॉज इल पहला है, दूसरा सेंटेंस है द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। इसको जोड़ के आपको सेंटेंसेस बनाना है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब की बार राजू आपने बड़ी मेहनत की है। आफ्टर हियरिंग द न्यूज आप, ठीक है, आफ्टर हियरिंग द न्यूज आप, आफ्टर हियरिंग द न्यूज। किंग्स इलनेस लगाओ बेटा, राजा की बीमारी का किंग्स इलनेस ज्यादा अच्छा रहेगा। किंग्स इलनेस लगाओ बेटा। हाँ जल्दी लिखो बेटा। हाँ, आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, किंग में अपोस्ट्रॉफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ध्यान से देखो। द पीपल वेंट टू द पैलेस, आफ्टर द पीपल, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस, द किंग वॉज इन। नो नो नो, ये आपका सही नहीं रॉकी रॉक्स, ये गलत है, ये राजू का सही है। द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस बिकॉज द किंग वॉज, बिकॉज इसमें आता ही नहीं है। हाँ बिकॉज तो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, गलत है आपका। शाहनवाज का भी गलत है, राजू का सही है। राजू थोड़ा आप सही करके भेजो, किंग्स इलनेस लगा दो, फिर द मत हटाओ, द पीपल वेंट टू द पैलेस इतना लिख दो। हाँ राजू, ये कनेक्ट विथ नेचर, आप ऐसे ही रह जाएंगे बेटा, नहीं तो मेहनत करो और सही से, ठीक है। आप एक अच्छे लड़के हो इसलिए अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, मैंने क्या बोल दिया? अगला बनाओ आप लोग। हाँ, आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, वेरी गुड। अब देखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, राजू समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस यार नो बोलो। उसके बाद लगाओ द पीपल वेंट टू द पैलेस, अब बताओ ये ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ बताओ बेटा। ये देखो सेंटेंस को राजू एक बार ना करना, एक बार में प्रयास नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं। अर्थ को देखना, आफ्टर हियरिंग द न्यूज, देखो जी आफ्टर प्रीपोजिशन, ये भी आफ्टर से बन गया कि नहीं? घबराना नहीं है, सोचना है। जब आप सोचोगे तो क्वेश्चन खुद निकल के आएगा। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ इलनेस ऑफ किंगनेस, वही राजू वाला सही है। रॉकी रॉक्स आप उसकी कॉपी करो। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, ये ज्यादा सटीक बैठ रहा है। दो बार आप करके शोभा बिगड़ जा रही है, ठीक है। हाँ तो और द आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू द पैलेस, ये हो जाएगा। पैलेस माने महल होता है, लिखो सभी लोग, पैलेस माने महल। नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें दोनों देखो, यहाँ जो है ये गलत हो जाएगा सौम्या, ये अर्थ नहीं निकलेगा। इन स्पाइट लगाई गलत हो गया, इसमें दोनों पॉजिटिव थे, देख लो ध्यान से, ये अर्थ गलत हो गया। आफ्टर से बनाओ बस, ठीक है। हाँ समझे कि नहीं आप लोग? तो गलत हो गया सौम्या, वही आप राजू वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। अब देखो तुम लोगों का पार्ट हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, चर्चा वही कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कितने लोग सही कर रहे हो। हाँ, हिज डेथ शॉक्ड मी, लिखो हिज डेथ शॉक्ड मी। हाँ जल्दी लिखो, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, उसकी मृत्यु ने मुझे शॉक कर दिया, बताओ जल्दी से।
हिज डेथ शॉक्ड मी, लिखो जल्दी से, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, लिखो सभी लोग, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, लिखो जल्दी से, हिज डेथ, उसकी मृत्यु ने शॉक्ड मी, अचंभित कर दिया, सदमा लगा, हिज डेथ शॉक्ड मी, नहीं लिख पा रहे, एस एच ओ सी के ई डी, लिखो, हिज डेथ शॉक्ड मी, लिखो, हिज डेथ शॉक्ड मी, शॉक्ड की स्पेलिंग एस एच ओ सी के ई डी, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, नहीं लिख पा रहे हो आप लोग, हिज डेथ शॉक्ड मी, नहीं लिख, पहले तो लाइन तो लिखो, लाइन नहीं लिख पा रहे हो, एक लोग कोई लिख नहीं पा रहा जितना देर से बोल रहे हैं, हिज डेथ शॉक्ड मी, पहले बोले हैं तो प्लेस लिख रही हो, पहले बोले हैं, प्लेस माने तो स्थान हो जाता है, हिज डेथ शॉक्ड मी, पहले सेंटेंस लिखो स्पेलिंग सही, हाँ, हिज डेथ शॉक्ड मी, हाँ लिखो, हिज डेथ शॉक्ड मी, मैं मजाक करने वाला बेटा ऐसे लोगों से कभी वो नहीं करता हूं, समझे कि नहीं, तुम मजाक करो, ये तो तुम अपने जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हो, मेरे क्या, चलो अगर बनाओ, हाँ, हिज डेथ शॉक्ड मी, अब बनाओ इसका, तुम लोग पैसिव वॉइस बनाओ, सभी लोग पैसिव वॉइस, हिज डेथ बोले हैं तो ही डेथ लिख दिए, हिज डेथ, एच आई एस, हिज डेथ शॉक्ड मी, इसका पैसिव वॉइस बनाओ सभी लोग, हिज डेथ हम बोले हैं, हिज डेथ, एच आई एस रहेगा, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, तुम लोग हिज नहीं लिख पा रहे हो, हिज डेथ शॉक्ड मी नहीं लिख पा रहे हो, दूसरा बताओ, हाँ, आई वॉज शॉक्ड बाई हिज सडन डेथ, दूसरा बताओ जल्दी, सडन मत लगाओ, अपने मत लगाओ, सडन अपने क्यों जोड़ रहे हो, अब देखता हूं कौन इसको सही बना लेता है, अब यही मैं देखूंगा कौन बना ले रहा सही, हाँ बनाओ सभी लोग बनाओ, सही सोचो, सही सोचो, चलो अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने सही बनाया, आई वॉज शॉक्ड, देखो यहाँ पैसिव वॉइस में आई वॉज शॉक्ड बाई हिज डेथ हो जाएगा, ठीक है, वेरी नाइस, तो आप लोगों को क्या करना है इसको ध्यान से, दूसरा बनाओ, नो वन विल डिनाई, लिख लो बनाओ, दूसरा बनाओ, नो वन विल डिनाई, नो वन विल डिनाई दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, हाँ हो गया, हाँ लिखो जल्दी से, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, लिखो सभी लोग,
हमने आपको ब्लॉक नहीं किया, मैसेज नहीं आ रहा होगा राजू, हम किसी ब्लॉक नहीं किए हैं, फिर मैसेज करने वाला अगर की होगा तो अनब्लॉक कर देंगे। अगला लिखो, हाँ, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, ये लिखो राजू। नो वन विल डिनाई, लिखो, लिख के दिखाओ सभी लोग एक बार में, सही लिखो, नो वन विल डिनाई, हाँ, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, नो वन विल डिनाई, लिखो सभी लोग बेटा, नो वन विल डिनाई, नो वन विल डिनाई, नो वन विल डिनाई। उसके बाद है, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, टू प्लीज द ऑफिसर, नो वन विल डिनाई टू प्लीज द, हाँ, टू प्लीज, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। लिख दो सुन के एक बार, लिख दिया करो तुम लोग, नो वन विल डिनाई टू प्लीज द, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। हाँ राजू लिखो बेटा, सुन के लिखो, ये सब सोच रहे हैं अभी पता नहीं क्या। नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, टू प्लीज द ऑफिसर, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। नहीं आ रहा क्या मैं कमेंट? हाँ, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राई हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर्स, वेरी गुड बेटा, यहाँ गिरीश की स्पेलिंग गलत है तुम्हारी, और दूसरा देखो कौन सही लिखा है, बनाओ जल्दी से। चलो इसको अफर्मेटिव में बदलो, अफर्मेटिव में डिनाई की स्पेलिंग लिखो, DENY रहता है, देखो डिनाई की स्पेलिंग सभी लिख दिए ना राजू से, डिनाई के DENY, देखो कितने लोग सही लिखे हैं, यही देख लो, स्पेलिंग नहीं लिख पा, नो वन विल डिनाई, डिनाई की स्पेलिंग DENY होता है, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश की स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, गिरीश, ऐसे गिरीश लिखा जाता है, कोई बात नहीं स्माइल गर्ल, तुमने सही लिखा, थोड़ी मोड़ी क्यों मिटा दी, दोबारा लिख के तो मिटाया करो। हाँ, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, हाँ लिखो जल्दी से, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, लिख लिए सभी लोग? अब इसका बनाओ सभी लोग, इसका अफर्मेटिव में बदलो, 2023 में पूछा गया था, अफर्मेटिव में बदलो, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश है ट्राइड हिज बेस्ट होगा, ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, इसको अफर्मेटिव में बदलना है, अफर्मेटिव में यस के शर्मानी बदलो इसको, अफर्मेटिव में स्माइल गर्ल, इसको अफर्मेटिव में बदल के दिखाओ, ट्रांसफॉर्मेशन की अफर्मेटिव में बदलो। नो वन विल डिनाई दैट गिरीश हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, इसको अफर्मेटिव में बदलना है, मतलब यही अर्थ आना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, बताओ जल्दी से। और बताओ, इट इज श्योर दैट गिरीश हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, और दूसरा बना के दिखाओ, नहीं बेटा आप फिर से बनाओ शाहनवाज राजू, और सोचो राजू, और सोचो, और सटीक सोचो, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, इसका और सोचो, सटीक सोचो,
केवल वाक्य बड़ा है, सोच ले जाओगे सही हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, ए हो गया, एवरी वन, वेरी गुड। नो वन माने कोई नहीं, एवरी वन माने प्रत्येक लोग, वेरी गुड। एवरी वन हमारे ख्याल से एक लम्बे लगेगा क्या? एवरी वन विल एक्सेप्ट दैट गिरीश हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, वेरी गुड राजू, ये आपने बहुत अच्छा, एवरीबडी हो सकता है, यस। नो वन का एवरी वन, ये सब लिखो, सभी लोग लिख लो, जहां नो वन रहेगा वहां एवरी वन लगा देना, और डिनाई के जगह का उल्टा होता है। डिनाई का मतलब होता है मोबाइल में देखते हो एक जगह आता है डिनाई, एक जगह आता है एक्सेप्ट, वही उल्टा कर देना है। अब देखो हो गया, एवरी वन विल एक्सेप्ट दैट गिरीश हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, वेरी गुड। देखो ये एकदम सही बना दिया, यही चीज मैं सोच रहा था कि आप लोग बताओगे, है ना। एवरी वन हो जाएगा, एवरी वन विल एक्सेप्ट, मैंने आपने अभी आज बताया था ही इज अगली, ही इज नॉट, निगेटिव को अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे हैं? अफर्मेटिव को निगेटिव बनाने के लिए मैंने बोला था, कैसे बनाते हैं? ऐसे तो बनाने के लिए बोला था। ये क्या हो जाएगा, एवरी वन विल एक्सेप्ट दैट गिरीश हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, ये बनाओ सभी लोग, ये लिखना पड़ेगा। नो वन है तो वो निगेटिव में है, एवरी वन है तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में अगर निगेटिव को पॉजिटिव में लाए थे, यहां उसका उल्टा हो जाएगा वर्ब का, वो जो वहां डिनाई हो रहा था वहां एक्सेप्ट हो गया। अब इस पर जाके थोड़ा घर पे भी आप लोग मेहनत करना, ठीक है। हाँ जय भीम, आप लोग को घर पे भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। नो वन डिनाई का हो जाएगा एवरी वन, ठीक है। हाँ अच्छा बताओ, नो वन विल रिजेक्ट का क्या हो जाएगा, बताओ। नो वन विल रिजेक्ट बनाओ सभी लोग, पहले वाक्य में केवल करामात है, दूसरा तो अपने आप को ऐसे लिखना था, पहले वाले पे ध्यान देना है। हाँ बनाओ जल्दी से, हाँ जल्दी लिखिए। हाँ हाँ देखो, एवरी वन विल अप्रूव, वेरी गुड, एवरी वन विल अप्रूव। नो वन विल रिजेक्ट का क्या हो जाएगा, एवरी वन विल रिजेक्ट अप्रूव, तो रिजेक्ट का क्या होता है उल्टा, अप्रूव। लिखो जल्दी से, वर्ब को उल्टा करोगे, नो वन को एवरी वन में लाओगे तो सब वर्ब को उल्टा कर दोगे, ठीक है। लिखो जल्दी से, अगला बनाओ, नो वन विल लाइक, लिखो नो वन विल लाइक, नो वन विल लाइक, लिखो सभी लोग, नो वन विल लाइक। हाँ सौम्या, अप्रूव ज्यादा अच्छा होता है, अप्रूव, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब कोई चीज ले गई, उसको जो है कोई स्वीकार नहीं किया, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा, एवरी वन, हाँ मैंने क्या बोल दिया, कुछ बोला था मैं भूल गया। हाँ दूसरा बनाओ आप लोग, ऐसे ही नो वन को किसे बोलेंगे, एवरी वन को। हाँ नो वन विल लाइक को क्या हो जाएगा, एवरी वन, ठीक है। हाँ केवल नो वन विल लाइक का क्या हो जाएगा, एवरी वन डिसलाइक्स लिखो ना। हाँ एवरी वन विल, ठीक है, डिसलाइक हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एवरी वन इज अवर्स नहीं, एवरी वन विल डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मीनिंग को सही सटीक लगाओ, लाइक से डिसलाइक जो सटीक वाला रहे उसको अपेक्षा करते हैं सभी लोग। नो वन विल, ठीक है, एवरी वन विल डिसलाइक, ये लिखोगे। आप कोई कहेगा ये डिसलाइक क्या है, तो बोल देना निगेटिव नहीं है, ये वाक्य निगेटिव नहीं है, सेंट वर्ब निगेटिव है, तो उस पर ध्यान देना होगा, एवरी वन विल डिसलाइक हो जाएगा, समझे कि नहीं सभी लोग। यस आर नो, समझ गए कि नहीं। अब अगला आपको करेक्ट करना है, फिर 2023 वाला ही करवा रहा हूं, फिर अगला है, अगला लिखो, वाक्य पहले लिखो, देखना कितने लोग एक बार सुन के लिख लेते हो। मैं 3 बार बोलूंगा, मैं देखूंगा पहले 3 लोग कौन लिखते हैं, सुनना है कान को ध्यान से। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, लिखो।
हाँ, द बॉय टोल्ड अलाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, ये बनाओ। द बॉय टोल्ड अलाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, ये खत्म नहीं हो रहा है, दो ही तीन वाक्य बचा है। द बॉय टोल्ड अलाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। इसका सही बना के दिखाओ। हाँ, लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, इसका बनाओ सभी लोग। द बॉय टोल्ड अ लाई, देखो कितनी चीज सीख रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हो जो एग्जाम में आनी है, और कुछ लोग उसमें मिस कर रहे हो क्लास को, क्या करें हम। स्टैंडर्ड समझ रहे हो कि कैसे आएगा क्वेश्चन, अब छोटी छोटी चीजों देखोगे। ओके, द बॉय टोल्ड एलाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। देखो लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, इसका बनाओ सभी लोग। इसमें गलती कहां पकड़ के दिखाना है, पहले लिख दो, द बॉय टोल्ड एलाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। और बनाओ जैसे राजू ने बना दिया, दूसरे लोग बताओ। द बॉय टोल्ड अ लाई हो गया, लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, इसका क्या हो जाएगा। बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, क्या हो जाएगा इसका। ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को गलती सही करने के लिए। तो आपने ये कौन सा सेंटेंस है, यश केसरवानी ने तो ये बना दिया है, क्या नाम है, ये तो आपने वो बना दिया, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स। अगर इसी को कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा राजू, ऐसे हो जाएगा, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही, देखो लेस्ट के बाद निगेटिव नहीं आएगा, लिखो लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, लेस्ट के बाद निगेटिव नहीं रहेगा, बताओ जल्दी से। लेस्ट के सामने निगेटिव, नो निगेटिव लिखो, लेस्ट प्लस नो निगेटिव लिखो, लेस्ट बराबर नो निगेटिव, लेस्ट में बराबर लिखो नो निगेटिव, लेस्ट के साथ जो नाट लगा वो नहीं रहेगा। ये यश केसरवानी जो आप बना दिए, ये तो आपने वो बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये मैंने थोड़ा सोचा हूं। हाँ, लेस्ट के बाद शुड नॉट नहीं रहेगा, शुड रहेगा केवल। नहीं, उड नहीं रहेगा, उड नहीं, सुड ही रहेगा हमेशा। द बॉय टोल्ड लाई लेस्ट ही सुड रहेगा हमेशा, लेस्ट के बाद क्या आएगा, सुड, लिखो लेस्ट के बाद हमेशा सुड आता है, लिखो लेस्ट प्लस सुड, लेस्ट के बाद आएगा कर्ता, कर्ता के बाद सुड आएगा, सुड के अलावा कोई चीज आएगा तो गलत हो जाएगा। तो लेस्ट के बाद क्या आएगा, इसका मतलब हो जाएगा लेस्ट के बाद क्या आएगा, सुड, लिखो लेस्ट, यही प्रश्न ज्यादा पर पूछा जाता है, लेस्ट के बाद जो सूट वाला है। हाँ, लेस्ट अगर आ गया है तो उसको क्या करेंगे, दूसरे वाले वाक्य को सूट में बदलेंगे, दूसरे वाले वाक्य में लेस्ट के बाद में सूट लगाओगे, याद रखना। और दूसरी बात, हाँ, लेस्ट के बाद वाले वाक्य में हमेशा सूट रहेगा, सूट, वेरी गुड, सूट, लेस्ट के बाद क्या रहेगा, सूट, समझ गए आप सभी लोग, लेस्ट के बाद हमेशा सूट आएगा और लेस्ट के बाद कोई निगेटिव नहीं रहेगा। इसको जाके प्रैक्टिस करना।
दूसरा बनाओ होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, इसका बना के दिखाओ, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, इसका बनाओ, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। जो नियम ही नहीं पढ़ा होगा कहां बता पाएगा इसको, पहले जो नए लोग हैं जाके नियम पढ़ के आए, नहीं तो इसको जाके पढ़ना आप लोग, इससे एक क्लू मिलेगा। हाँ लिखो, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, लिखो, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, लिखो, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, बनाओ, देख बताओ जल्दी से, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, इसका सही रूप क्या होगा, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। हम ओल्ड इंडिया नहीं बोला, होल इंडिया बोले हैं, डब्ल्यू एच ओ एल ई, डब्ल्यू एच होल इंडिया, नहीं गलत हो जाएगा, होल इंडिया कोई लिख दो बेटा, बना दो, हाँ होल इंडिया, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल होल इंडिया बोले तो ओल्ड इंडिया लिख रहे हो, दूसरा बनाओ, हाँ बेटा ये अमित, इसका बनाओ आप जल्दी से अमित, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, इसका सही गलत कहाँ है उसको सही करके दिखाओ, इसका सही सेंटेंस बनाना, इसमें गलती है, इसको सही करके दिखाओ, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी बनाओ तुम लोग, कहाँ गलती है सोच के बताओ, नहीं द होल इंडिया, द होल ऑफ इंडिया बनाओगे, द होल ऑफ इंडिया लिखो जल्दी से, द होल ऑफ इंडिया लिखेंगे, हमेशा याद रखना जहां होल इंडिया लिखेंगे द होल ऑफ इंडिया लिखेंगे, वहां लिखो द होल ऑफ इंडिया, द होल लगाओगे जहां, मतलब द होल इंडिया, होल इंडिया का मतलब इंडिया को कहें, द होल ऑफ मतलब सारे लोगों की बात हो जाएगी, तो जहां नाउन के साथ होल डायरेक्ट जुड़ा रहे तो वहां उसको हम द होल ऑफ, और लोगों की बात हो, इंडिया का मतलब लोगों की बात आए तो द होल ऑफ इंडिया लिखो सभी लोग, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया लिखो सभी लोग, द होल ऑफ इंडिया लिखो, द होल ऑफ इंडिया, होल इंडिया के सामने लिखो द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ अब अगला दूसरा लिखो, दूसरा, अब ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, द होल ऑफ इंडिया मैंने इंडिया के लोग, इंडिया नहीं द, यहां इसका मतलब हो गया इंडिया के लोग, लिखो पूरा भारत, लिखो सभी लोग पूरा, पूरे भारत के लोग, इसका मतलब हो गया पूरे भारत के लोग, लिखो हिंदी में पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के लोग लिखो जल्दी से, हाँ ये सही होगा, पूरे भारत के लोग यहां हो जाएगा, पूरे भारत के लोग, हिंदी में लिख लो पूरे भारत के लोग,
और देखो दो, ये जो है हम 10 नंबर 20 नंबर का बता दिए हैं, फिर थोड़ा सा दो क्वेश्चन है उसके बाद आप जान लो कि 2023 के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, द होल ऑफ इंडियन का मतलब इंडियंस, वेरी गुड। अगला यस के शर्मा लिखो, एल्टर और एल्टर का प्रयोग करके दिखाओ, एल्टर का मतलब क्या होता है, एल्टर ALTAR, उसके बाद ALTER लिखो, एल्टर ALTAR, एल्टर हो गया, दूसरा ALTER, इसका बनाओ जब लोग, एल्टर और एल्टर का प्रयोग करके दिखाओ, ALTAR पहले तो मतलब बता दो, ALTAR दूसरा ALTER लिखो, ALTAR एल्टर, उसके बाद ALTER एल्टर लिखो, क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन तुरंत आ जाते हैं। ALTAR का मतलब क्या होता है और ALTER का मतलब क्या होता है, दोनों का प्रयोग करके दिखाओ। हाँ ALTAR उसरा ALTER बना के दिखाओ, जल्दी करो बहुत टाइम हो गया, ALTAR एल्टर उसके बाद ALTER, एल्टर माने बदलना, दूसरे का मतलब, हाँ वेरी, दूसरा लिखिए, दूसरे का मतलब क्या हो गया, द एल्टर ऑफ माई गोल इज प्रेजेंट, द एल्टर वॉज नेसेसरी इन द मैरिज पार्टी इन प्रिमिटिव कल्चर, वेरी गुड। द एल्टर ऑफ माई गोल, मेरे गोल में परिवर्तन, इज प्रेजेंट बाहर है, और थोड़ा क्लियर करो, चलो एक का मतलब हो गया एल्टर, दूसरे का मतलब बेदी जहां शादी वादी, दूसरा आपने सही बनाया है, वेदी जहां पे होम जाप होता है, ओम नमस्ते वहां करके एक कुंड टाइप का बना होता है उसे कहते हैं वेदी, फिर से बनाओ आपके प्रयोग करो पहले वाले का। दूसरे वाले का वाक्य प्रयोग करो, हाँ दूसरा पर, दूसरे वाले का वाक्य प्रयोग करो, एक और बचा है जल्दी से खत्म, वाक्य प्रयोग करो फिर से और क्लियर करो पहले के। हाँ वी हैव हैड टू एल्टर, ठीक है, हाँ ये सही है, हाँ ये देखो ध्यान से, अल्टर माने परिवर्तन, थोड़ा इजी बनाया करो, चलो आगे चलो, अल्टर माने ऑप्शन नहीं होता, अल्टर माने परिवर्तन होता है, तभी मीनिंग गलत कर रहे हो, अल्टर माने होता है चेंज, टाइम अल्टर समय बदलता रहता है, सिंपल बना दो, टाइम अल्टर्स समय बदलता रहता है, वेदर अल्टर्स मौसम बदलता है, तो टाइम अल्टर्स लिख दो सभी लोग, अल्टर माने चेंज होता है, अल्टर माने ऑप्शन नहीं है। दूसरा है रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल, लिखो जल्दी से, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल जल्दी लिखो, हाँ टाइम एल्टर्स, दूसरा बनाओ जल्दी, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल, हाँ रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल में क्या अंतर है बताओ जल्दी से, दोनों का मीनिंग बताओ और इसका क्लियर करके दिखाओ, रिस्पेक्टफुल हो गया रिस्पेक्टेबल, दोनों बनाओ, दोनों में अंतर क्या है क्लियर करो,
हाँ दोनों रिसेट फुल में एक एल रहेगा, डबल एल नहीं रहेगा। हाँ रमेश सेन से सीखो आकांक्षा से। हाँ दोनों का अर्थ बताओ, मीनिंग पहले बताओ जल्दी से। हाँ ही वॉज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू बोथ एल्डर्स एंड यंग एडल्ट इन एनी सिचुएशन। वेरी गुड, और बनाओ क्लियर करके। हाँ दे दो को ध्यान से, दोनों लोगों को समझो बेटा। प्रभाकर, रिस्पेक्टफुल का मतलब ये होता है कि जो आप शो करते हो, शोविंग रिस्पेक्ट, किसी के प्रति दिखाते हो, ठीक है। हाँ रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है शोविंग, लिखो शोविंग, SHOW, शो माने किसी चीज के प्रति आदर दिखाना, तो क्या हो जाएगा शोविंग रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टफुल के सामने लिखो शोविंग रिस्पेक्ट, SHOW, शोविंग रिस्पेक्ट होगा, शोविंग रिस्पेक्ट, SHOW, शोविंग रिस्पेक्ट, किसी के प्रति आदर दिखाना या आदर के, ठीक है। हाँ जैसे हमने कहा उसका मैनर कैसा है, हिज मैनर इज रिस्पेक्टफुल, उसका जो तौर तरीका बड़ा ही अच्छा है, तो रिस्पेक्टफुल मतलब उसका शोविंग रिस्पेक्ट, SHOW, शो माने होता है दिखाना। हाँ ये जो आपने शोविंग रिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल, शोविंग रिस्पेक्ट, जो प्रभाकर आप लिखो इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल का मतलब हो जाता है शोविंग रिस्पेक्ट, किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना। और रिस्पेक्टेबल का मतलब लिखो जल्दी से। हाँ, दूसरा लिखो रिस्पेक्टेबल, और दूसरा था रिस्पेक्टफुल, कोई कहेगा क्या होता है बता देना, किसी के प्रति शो करना, रिस्पेक्ट दिखाना, तौर तरीका, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल, मैनर से संबंधित होता है, ठीक है, मैनर से संबंधित। लिखो इट इज मैनर, लिखो मैनर, एक तरीका दिखाता है, मैनर लिखो बेटा, थोड़ा सा मैनर लिख दो। हाँ मैनर शो थोड़ा करता है, ठीक है। हाँ लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव वाला मैनर से शो करता है, ठीक है, एक तरीके का किसी पर से शो करना, रिस्पेक्ट दिखाना, रिस्पेक्ट करना ऐसा, ठीक है। और रिस्पेक्टेबल एक पर तरीके से डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट हो जाएगा, डिजर्विंग लिखो, डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट लिखो, डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ लिखो डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, पहले तरीका जानना पड़ेगा, डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट लगाओ, डिजर्विंग। दूसरा रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब इसका प्रयोग बताओ, कोई कहेगा क्या अंतर बता देना, एक का शोविंग ऑफ रिस्पेक्ट होता है रिस्पेक्टफुल का, और रिस्पेक्टिकल का मतलब होता है आदरणीय है, जिसे कहते हैं जो आदर करके योग्य हो, ठीक है। हाँ एक पर्सन से डायरेक्ट डिजर्विंग, अब जिसे आदर करने का गुण हो, ठीक है, जो योग्य हो। बनाओ जल्दी से, आप दोनों का वाक्य प्रयोग करो। दोनों का वाक्य प्रयोग करो, हम देखते हैं आप बना लेते हो कि नहीं। दोनों का वाक्य प्रयोग करो बेटा। हाँ ये हो गया, यू आर रिस्पेक्टेबल पर्सन टू ऑल ऑफ अस एज यू हैव मेनी क्वालिटीज, ठीक है। अब दूसरे का बनाओ बेटा, राजू आपका सही है कि मान लीजिए हम आदरणीय है, दूसरे का बनाओ। बहुत सटीक अंतर है, बहुत ही बारीक अंतर है, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने मुझे डायरेक्ट किससे मतलब यू आर मतलब रिस्पेक्टेबल, मुझे सीधे मुझे क्या जोड़ दिया, व्यक्ति से जोड़ दिया, ठीक है। यहां रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं होगा, रिस्पेक्टेबल पर्सन बोला जाएगा। वेरी गुड, आगे बताओ। हाँ आई रिस्पेक्टफुल्ली से यू दैट यू शुड गिव मी 5 रुपीज। हाँ तो रिस्पेक्टफुल, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली कहते हैं ना, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, हाँ विद मोर रिस्पेक्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली करके कहते हैं, वो रिस्पेक्टफुल्ली होता है, एक तरीका दिखाता है कि एक एडवर्ब ऑफ माइनर से जोड़ लेना, एक माइन एडवर्ब ऑफ माइनर से वो बना हुआ एडजेक्टिव है, और एक नाउन से जुड़ा हुआ एडजेक्टिव है। कैसे बोलते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कैसे मुझे याद नहीं है लाइन पहली क्या होती, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट,
है ना, वहां मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट कहते हो कि नहीं, तो वो एडवर्ब वाले से बना हुआ है, ये बहुत बारीक अंतर है, वो एडवर्ब वाले से बना हुआ है। चलो अच्छा, इसके बारे में अब तो लिखो जल्दी से, ये किससे जुड़ा हुआ है। हाँ राजू, देखो कोई कहेगा रिस्पेक्टफुल है क्या, तो ये मत बता देना कि एडवर्ब वाला, मैं कह रहा हूं एडवर्ब अब मैनर से बता हुआ है, ठीक है, मैनर को शो करता है और ये सीधे व्यक्ति की क्वालिटी को शो करता है। और क्वालिटी, और एग्जाम्पल दो तो, हाँ और एग्जाम्पल दो तब मैं बताऊं। हाँ थैंक यू, समझ में आ गया। और थोड़ा कोई एग्जाम्पल दो आप लोग। कोई और एग्जाम्पल दो आप लोग। चलो अच्छा, इसको तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। आप कुछ, हम टेस्ट लेंगे आप लोग को, टेस्ट के बाद फिनिश हो जाएगा, तो टेस्ट पे आप ध्यान दो, थोड़ा सा हम टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे आप लोग को। हाँ ये आप जाके दोनों मेन मैनर को पढ़ लेना बढ़िया से। अब मैं टेस्ट के लिए रेडी हो, सभी के पास है कॉपी पेन है। आर यू रेडी एवरीवन, जल्दी बनाओ। हम तीन लोगों, पांच पांच या छह क्वेश्चन करके हम देखेंगे आप लोगों को, चेक करेंगे कि आप कितने मतलब पकड़ में रहते हो, और ये इडियम्स फ्रेज से रहेगा मैटर, ठीक है। हाँ कि हम देखते हैं कितना तेजी से आप लोग जान जाते हो। और मीनिंग बताना है बिना सेंटेंस का। पहला है मीनिंग रन अवे, रन अवे का बताओ जल्दी से सनानिम, रन अवे का क्या होता है, रन अवे पहला मीनिंग है, जल्दी बताओ सभी लोग, रन अवे। हाँ उसको जाके पढ़ना आप, तुम सौम्या ये तुम्हारा काम है, रन अवे को बताओ जल्दी से, टेस्ट में भाग लो इसमें। हाँ वेरी गुड, इसमें ये सबसे पहले बता दिया राजू और फ्रेड आओ, इसके बाद अंकित कुमार, तीसरा देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड, भाग जाना, तीन लोग बता दिए। अब दूसरे वाले मैनर में आप लोग जाओगे, दूसरा बताओ रन साठ, रन साठ, रन साठ, अगला का बताओ रन साठ, रन साठ, बनाओ जल्दी से। 2019 में पूछा गया रन साठ, 2019 में रन साठ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, अभी तक कोई नहीं बता पाया, देखते हैं कौन बता देता है। मीनिंग जो करेक्ट बताएगा उसे ही काउंट करेंगे। लैकिंग, वेरी गुड, दीपांजलि का सही है नंबर एक पे। दूसरा पे कौन है, तीन लोगों को काउंट करेंगे केवल। लाइकिंग वेरी गुड, लाइकिंग लाइकिंग वेरी गुड, और दूसरा वही वर्ड, चलो नंबर एक पे यहां पे दीपांजलि ने बताया है और अभी तक किसी ने नहीं बताया, हम इसको टाइम फिनिश हो गया, अगले का हम लोग बताएंगे, ठीक है। सार्टेज, वेरी गुड सार्टेज, और बताओ। चलो अच्छा ला, टाइम फिनिश, अगला होगा रीड बिटवीन द लाइंस, जल्दी बताओ रीड बिटवीन द लाइंस, बहुत फेमस है। हाँ रीड बिटवीन द लाइंस अगला बताओ, ठीक है प्रभाकर आगे बताओ, रीड बिटवीन द लाइंस का क्या हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड केयरफुली, दूसरा बताओ जल्दी से, और बताओ जल्दी से दूसरा। अंकित थोड़ा और सोचो, नो 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 नो, डीप ग्रेस फेंक रहे हैं। हाँ डीप ग्रेस वेरी गुड, राजू का सही है, और बताओ अभी तक अंडरस्टैंड द हेडिंग मीनिंग, सबसे अच्छा है दीपांजलि का। डीप ग्रेस माने किसी चीज को गहरी पकड़, इसका माने हिडन मीनिंग को समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छिपा हुआ मीनिंग हो उसको समझने की कोशिश करना, तो दीपांजलि का सबसे ज्यादा सही है, फिर राजू का, रीड केयरफुली नहीं होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2012 में प्रश्न पूछा गया है, टू लूज ग्राउंड, अगला है टू लूज ग्राउंड, इसका बताओ टू लूज ग्राउंड का क्या होगा, टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड, जल्दी बताओ टू लूज ग्राउंड का क्या होगा।
जितना छोटा लिखोगे उतना कम टाइम लगेगा, केवल मीनिंग का थोड़ा हमें पकड़ाने की कोशिश करो कि यही है, टू लूज ग्राउंड का क्या हो जाएगा। अभी तक किसी ने नहीं बता पाया, बता। लॉस लेस पॉपुलर। ओ अकेला आगे बताओ, टू लूज ग्राउंड दूसरा बनाओ। टू लूज ग्राउंड का किसी ने नहीं बताया, टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है लॉस, हानि। लिखो हानि, टू सफर लॉस। किसी ने नहीं बता पाया, टू सफर लॉस, लॉस लिखो LOSS। लॉस बताओ, ये सब बता नहीं पा रहे हो आप लोग। कई बार पूछा गया है टू एंड फ्रो, लिखो टू एंड फ्रो, लिखो जल्दी टू एंड फ्रो, अगला मीनिंग है कई बार पूछा गया, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, लिखो जल्दी टू एंड फ्रो, टी ओ उसके बाद एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो, टी ओ एंड फ्रो, या फारो लिखो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बैक एंड फोर्थ, ये आपका सही है, इधर उधर, हेयर एंड देयर, हाँ बैक एंड फ्रो फोर्थ, बहुत अच्छा, अंकित का सही है, चलो अच्छा, इधर उधर, वेरी गुड वेरी गुड, बैक एंड फोर्थ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वेरी गुड। अगला वर्ड है, ये सारे पूछे हुए पूछ रहा हूँ, ये जान लो कि तुम्हें पूछे हुए नहीं आ रहा है, अलग से आएगा तो क्या होगा, सोचो। स्कॉट फ्री लिखो, स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री, SCOT, उसके बाद स्कॉट फ्री मतलब क्या होता है, स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब क्या होता है, लिखो जल्दी से। स्कॉट फ्री लिखो, स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री लिखो, स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री, कोई नहीं बता पाया अभी तक। दो हजार चौदह में पूछा गया है, इजली विदाउट एनी हार्म, वेरी गुड, ठीक है। लिख दो फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, लिखो फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, कोई कोई व्यक्ति गलती करे और बिना पनिशमेंट का उसे छोड़ देना को स्कॉट फ्री बोलते हैं, लिखो फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, हाँ याद रखना फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। समर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, समर फ्रेंड्स, जल्दी बताओ, समर फ्रेंड्स, समर फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, समर फ्रेंड्स, अंकित ने सही बताया था सबसे पहले, समर फ्रेंड्स का देखता हूं कौन सबसे पहले बताता है, वेरी गुड दीपांजलि ने, ऐसा दोस्त जो केवल आपके है, जब हैप्पी रहो तभी साथ दे, फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज, बहुत अच्छा, तो जो फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज होते हैं उन्हें कहते हैं समर फ्रेंड्स, ठीक है। अगला बनाओ जल्दी से, मैडन स्पीच बताओ जल्दी से, मैडन स्पीच कई बार पूछा गया, मैडन स्पीच माने क्या होता है, मैडन स्पीच, वेरी गुड, अंकित ने पहला बता दिया फर्स्ट स्पीच, दूसरे पे राजू, तीसरे पे दीपांजलि, बहुत अच्छा, तो मैडन स्पीच का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा इतना बहुत हो गया, आप थोड़ा कल भी मिलेंगे, 40 लोग देख रहे हैं, जो नए हैं वो जान लें, लाइक करें, सॉरी सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक जो है लाइक करने का मन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और फिर जुड़े कल,
सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे। सुबह भी की क्लास छोटी सी क्लास रहेगी, आप जरूर लिखना, शाम को जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, सारे पूछे हुए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, कर लो भैया। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? 40 लोग जिसने नहीं अभी सब्सक्राइब कर लिया कर लें, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम लोग जितने बच्चे गलत कर रहे हो, जाओ घर पे और खूब अच्छे से पढ़ो, ये गलतियां जो आपने की हैं आज क्षम्य नहीं है, ठीक है? हाँ, इस तरीके से आप गलती करोगे तो कैसे परीक्षा में होगा? अब सारे क्वेश्चन आज हमने जो पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में पूछे गए हैं, इस वर्ष 2023 में, लिखो सभी लोग 2023। अरे 1 घंटा 46 मिनट हो गए, 50 मिनट कब बंद करेंगे? हाँ लिखो, 40 लोग देख रहे हो आप लोग। नहीं, 7 बजे ही पढ़ सुनाएंगे 2023 में। ये सारे क्वेश्चन के जिस तरीके क्वेश्चन हमने बताए हैं, इन सारे टाइप के क्वेश्चन जाके खूब अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आ गया कि नहीं? 2023 का पूरा सेट लगाओगे सभी लोग, सीरीज नहीं होगी तो कहीं से भी तुम जुगाड़ करो जल्दी से, समय सिर्फ लगाने का है। हाँ, जो नेटवर्क इश्यू था फिर से जाके पढ़ लेना बेटा, अंग्रेजी में सबसे कम नंबर आते हैं, इस बात को याद रखना, इसलिए आप ध्यान दो, अंग्रेजी बड़ा ही लैंग्वेज के केस पे हमेशा कटता रहता है, इसलिए जाओ 2023 के सारे पेपर लगाना, और हो ठीक है सभी लोग, और अच्छे से लगा के तुम लोग एडमिट कार्ड के साथ लेके आना, जब एडमिट कार्ड लेने आना हम देखेंगे 2023 के कितने लोग कैसे करके आए हो। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ध्यान दिए सभी लोग। अब बताओ आपको कोई दिक्कत रही आज वाले में, क्या समझने में कोई दिक्कत तो बताओ। अब गेमी सेमी वाला जो वर्ड है, चलो कट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सभी लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो हम खत्म करें आज वाले में। सारे टेक्निकल वाक्य रहे, जैसे आते हैं वैसे रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्य आप अपने से जाओ खूब पढ़ो, ठीक है? ठीक है, बाय बाय।